रेत रेत के अंदर सारा, ये देखो ये देखो। उसे डाकू से पूछते हैं भाई कहाँ जाने जाती है अपने बच्चों को सबको छोड़ के। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। तो कैसे हैं सब, उम्मीद है कि आप सब ठीक होंगे, खैर आफियत होंगे। छोटे मेरे लोगों के लिए मेरे चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिएगा। आज का व्लॉग घर से शुरू होता है और आज मुझे दो तीन काम करने। सबसे पहले तो भाई इन लोगों को देख रहे हैं नया सीवीओ जो मैं लास्ट टाइम देख गया था, तो सर कब से सर खा गए थे। अभी सारे बच्चे ये सारे जिन तैयार हो चुके हैं, तो इनको जो थोड़ी देर के लेके चलते हैं। एंड में अपने आपको बताऊंगा कि मेरी वाइफ मुझे क्यों छोड़ के जा रही है, बच्चों को भी छोड़ के जा रही है। इसने अपनी औकात दिखा दी और जो दूसरे काम होंगे वो भी, लेकिन एंड में इसकी औकात, इसका सब एक एक राज बताऊंगा मैं आपको। सही है, सही है, हाँ सही है, सब मेरा साथ देंगे, हाँ सही है, सही है ना, सही है। देखते हैं फिर, चलो हम जाए, सलाम करो, सलाम करो। एक तो इनको बोलते जाए इनका बटन ऑन हो जाता है और जो सलाम पहले से ठोक देते हैं। इसे देख कैसे बाल बना के हमजा याद, हाँ चूहे के जैसे लग रहे, चूहे जैसे। चलो आप सलाम करो। अस्सलाम वालेकुम, कैसे आप? ठीक है। और ये तो हमजा की मम्मा, हाँ ये अभी जो ना काम के नहीं है, अभी जो ना ये दूसरे बच्चे लाने पड़ेंगे, छोटे वाले जो ना जैसे बड़े होंगे ना वही काम आएंगे हमारे। हाँ फिर क्यों सलाम नहीं करते, क्यों नहीं अच्छे से नहीं किया? नहीं कल है पहले, नहीं पहले तो तुम वो जाना फिदा हैदरी भी सुनाते थे, अभी सुनाओ यार। गया। बस भूल गए ना, यही तो बात है, एक बार सुनाओ जल्दी जल्दी जानम, सुनाओ जल्दी करो। बस अभी तो आवाज नहीं निकलती और मुंह भी फिस गया, चल जा। नहीं नहीं मैं नहीं आ रहा, फिटर किधर रखा? मैंने ही रखा था, अभी गिरा तो ये नीचे सारा टूट जाएगा। मौसम चेक करें गाइस, आए हाय सीवीओ हो और ऐसा मौसम हो और सामने समंदर, आए हाय हाय। पानी चेक करें यार, क्या ही मजेदार पानी है। और गाड़ियों पे ये देखे गाने, ये रहे इसको अंदर रख दो। मूसा को तो फुल ठंडी हवा लग रही यहीं पे बैठ के। ऐसा क्या करेंगे, कल से गाड़ी ले आएंगे, इस टाइम से आएंगे और मगरिब के बाद जाया करेंगे ठंड ठंडी हवा का। मीर मीर वो गया हुआ है इधर, आप वालों को देखे यार। एक जो ना एक और जो गंदी चीज ना वो ये है कि लास्ट टाइम जब हमारे लगे कितनी सफाई थी, अभी लोग आने लगे तो ये देखो क्या हाल। असल में लोग भी नहीं, ये जो मेरे मच्छी वाले आते ना ये वो वाले, क्योंकि वो जो मात ना जो कचरा निकलता है वो यही पर फेंक के चले जाते। ये देखो सारा एक एक जगह पे पड़ा हुआ है। क्या नहीं पानी के अंदर नहीं जा रहा हमजा, सारी गाड़ी फिर गंदी हो जाएगी, कैसे बिठाऊंगा मैं इनको। कल परसों मैंने वॉश कराई है इसको, नहीं कोई जरूरत नहीं है, फिर से कोई जरूरत नहीं है। मीर मीर क्या हुआ, कैमल है? रुक जा रुक जा रुक जा रुक जा, ओए पानी है, मीर गिरोगे, मीर यूरोप के पीछे भाग पड़ा, वे रुक जा मीर, रुको यार रुक जाओ, इधर आओ। हाँ हाँ वो रहा, आ जाओ वापसी पर बैठते, आ जाओ। अरे यार इनको मैंने जितना भी बोला कि नहीं आओ ना इधर, तो ये लोग यहीं पर ही आ गए। अब ये देखो इसके अलावा, देखो मीर से देख, ये देखो अभी मैं इसको गाड़ी में कैसे बिठाऊंगा। अभी ये क्या है, गोल्डन, अभी ये क्या है, इतना गोल्ड गोल्ड है। ओ ओ ओ मीर हम जाओ, उठो चलो जल्दी करो, अभी गाड़ी में तो नहीं लेके जाऊंगा मैं आप लोगों को। चलो मीर रुक जा, शूज पहने हुए तुमने, बस गाड़ी भी खराब करोगे अभी। हाँ भागुआ भागुआ, पानी अभी इधर ही आ रहा है, भाग जाओ, आ जाओ आ जाओ यार आ जाओ। वे हमजा उठो, ये जब असल में पता क्या है, समंदर जब वापस आता है ना, ये देख लो पाँव से मट्टी खेचता हो जाता है यार, सारे कपड़े गंदे करे, मतलब नीचे देखो टांगे देखो और पाँव सारे, बच्चों ने सारे कपड़े गंदे कर दिए। अभी घर जाके इनके सारे कपड़े भी चेंज करने पड़ेंगे, और अभी यहाँ पर भी बोतलें लेके मीठे पानी की मिलती है, उनसे ना थोड़ा नहा धो के फिर साफ ही करनी पड़ेगी, क्योंकि सारा जो है काम तमाम कर दिया है सारे कपड़ों का। तो भाई साहब ये देखो इनकी पार्टी चल रही है इधर, रेत रेत के अंदर सारा, ये देखो ये देखो, बस सही है भाई सही है, इंजॉय करो। अभी मैंने बोला सारा कोई खराब कर, मीर इधर जा कर जाना, मीर भाग 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 भाग, मीर मीर भागो, वो देखो क्या
सारा पैंप इधर आ मीर, निकल उतरी हुई इधर आ मीर, रुको इधर आओ मीर, मीर चड्डी पकड़ 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 इसको, हाथ पकड़ो, रुको इधर आओ, निकल ऊपर करो सारी, ये देखो पैंपर निकला हुआ है, कुछ सारी चड्डी, गंदा 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 बेबी पाक। ये देखो यार इसके काम देखो, बस चलो आगे चलो, अभी बस अभी बहुत खेल लिया तुम लोगों ने, चलो आ जाओ भाई, उठो उठो, रुको रुको अभी उठो मीर मी ना। महात्मा भाभी यहाँ पर कुछ लिख रही है, देखें क्या लिख रही है, तो गैस घर पे भी आ चुके थे और हमजा को भी मैं लेके जा रहा हूँ, सब्जी लेके देता हूँ और जो ना आसान भी है, जल्दी 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 चलो गैस, अभी मैं जा रहा हूँ बाहर और मैं लेने जा रहा हूँ एक न्यू मोबाइल, जब तक आप लोग सोचें कि मैं किसके लेने जा रहा हूँ और देखिएगा कितना प्यारा मोबाइल मैं लेके आता हूँ, तो जब तक आप गेस करें कि कौन सा मोबाइल होगा, किसके लिए होगा, क्यों होगा, तो जब तक आप ये सोचें तब तक मैं मोबाइल लेके आता हूँ, आपको दिखाता भी हूँ कौन सा ले रहा हूँ। तो गैस ये रहा हमारा मोबाइल जो हम लेने आए थे, और ये कौन सा है, रेडमी नोट 13 प्रो है ना, हाँ रेडमी नोट 13 प्रो है, अभी इसकी अनबॉक्सिंग करते हैं आपको दिखाते हैं। चलिए अभी हमारे कहने पर भाई ने इसके ऊपर छुरी फेर दी, हलाल कर रहे हैं इसको, तो गाइस अभी देखिएगा इसका फेस, मतलब फेस की क्या मतलब, अभी फेस क्या, ये अनबॉक्स हो गया बस, दिखने में तो गाइस वही 200 मेगापिक्सल इसका कैमरा भाई, और बताएं आप भाई, 67 वॉट का इसका चार्जर है और ये मोबाइल अभी ऑन हो रहा है, इसका कैमरा वगैरह चेक करते हैं और फिर दिन इसको लेके चलते हैं घर। तो अभी खैर मोबाइल हमने लिया, बहुत प्यारा मोबाइल है, ये देखो कितना अच्छा है, 200 मेगापिक्सल कैमरा है, ये भी अच्छा है, दिखने में बिल्कुल आईफोन के जैसा, ये देखो बहुत ही ज़बरदस्त लग रहा है। तो गाइस मोबाइल ले लिया और अभी चलते हैं घर और जिसका है उसको देते हैं, चलो भाई किसके हो, थैंक यू। तो गाइस अभी हम लोग चाय पीने लगे हैं और जो इसके ऊपर ग्लास थे ना मेरे मोबाइल के ऊपर, मैंने हटवाया तो अभी देखो रिजल्ट कितना अच्छा आ रहा है, पहले दादा इतना अच्छा नहीं आता, फले सलाम करो, हाँ अभी जो इसका रियल है ना वो अच्छा है, मैंने खाम खाया इसके ऊपर ना वो प्रोटेक्टर ग्लास लगवाए थे कैमरे के ऊपर कैप, उसकी वजह से ना काफ़ी रिजल्ट इसका डल हो गया था, अभी देखो कितना खिला खिला अच्छा आ रहा है। और अभी हम पियेंगे चाय और आपा इधर बैठी हुई है और आपा को अभी हम देंगे गिफ्ट, आपा वाकी वाकी आपा को मैंने बोला कि नकाब वकाब लगाओ, आपको तो कोई गिफ्ट विफ्ट दूँ, खुश हो जाए, चुटकी नहीं तो वो आग लगानी पड़ेगी खोल खोल आपा मजे मार, तुम भी क्या बोलोगी, देखना यहीं पे तोड़ना देना अभी जैसे खोला है, अच्छा है, एक चीज की कमी है, क्या कवर लगा हुआ है इसके ऊपर, वो इसके पीछे अंदर होगा, इसके पीछे देखो अंदर होगा उस टाइम इसमें है, फादिया एक मिनट सारी चीज खराब नहीं करना, अभी इसको लगाओ, अभी देखना और भी प्यारा हो जाएगा, अभी देखो आईफोन से भी अच्छा है, 200 मेगापिक्सल इसका कैमरा है, आईफोन का 48 है, इसका 200 मेगापिक्सल कैमरा है, आज जो है ना बस आज आज मैं कर पंजाब जा रही हो, हाँ। चलो खुशी में जाओ, इसीलिए दिया है ताकि ये पंजाब जाओ तो दिखाए मेरे पास रेडमी है, चलो भाई ठीक है ठीक है। अच्छा इस शापर के ऊपर आपको कुछ लिखा हुआ है, देखो क्या लिखा हुआ है, हाँ तो थैंक यू भी बोलते हैं बंदा, चलो अभी ठीक है। तो भाई साहब अभी हम लोग जा रहे हैं दिल्ली कॉलोनी की तरफ, आज मैं इन बच्चों के लिए सारा सामान लेके आऊँगा, आज मेरी सैलरी आ चुकी है तो इसलिए मैं कभी मोबाइल ले रहा हूँ कभी क्या करूँ, तो आज इनके लिए पैम्पर मैं डबल डबल लेके आऊँगा, पैम्पर वही सब चीज़ें ताकि ये ख़त्म ना हो, महीने के एंड में ख़त्म हो जाते फिर जो खर्च फिर जो पैसे भी ख़त्म हो जाते, इसलिए इस बार ना इन सब बच्चों के लिए ना जितनी भी इनकी चीज़ें सारी एडवांस लेके आ जाते हैं एक ही बार में, हाँ। और आपा को मैंने गिफ्ट क्यों किया है वो भी मैं आपको बाद में बता दूँगा,
कि भाई इतना महंगा मोबाइल कौन किसके यूज करता है, सोचने की बात है। तो वो क्यों किया वो भी इंशाल्लाह आपके साथ बाद में बताता हूँ। अभी जाते हैं इनके पैंपर दूध ये सब चीज़ें इन सब की ना लेके आते हैं। तो अभी आ गए हम लोग शॉप पर, यहाँ से लेंगे मूसा और मीर के लिए पैंपर, और यहाँ से मीर एक हमजा एक मिनट मीर मीर रुको देता हूँ छोड़ दो एक मिनट छोड़ दो एक मिनट छोड़ दो लेते हैं रुको अच्छा ठीक है रुको अच्छा एक मिनट रुक जाओ ना। तो गाइस सामान हमने सारा ले लिया, कहाँ है भाई दूसरा थैला कहाँ है, ये देखो ये सारे बच्चों का ही है पैंपर वगैरह और सारी ये चीज़ें। अभी आगे चलेंगे अभी और भी आगे चले, क्या हुआ क्या लगा है देखा कुछ नहीं है, चलो रुको आ जाओ आगे से कुछ लेते हैं, आ जाओ बैठो चुप करके बैठो अच्छा ठीक है चोट है। चलें जी तो आज का व्लॉग हम यहीं पे एंड करते हैं, उम्मीद है कि आपको अच्छा लगेगा, अगर अच्छा लगे भी लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर दीजिएगा। और आज की ट्रेन थी आपके साथ में शेयर की थी, और आपा को आज हमने मोबाइल दिलाया, आपा बहुत खुश थी, और उस मोबाइल दिलाने के पीछे फाजा हाथ उठाओ अभी नहीं करना, तो मोबाइल उसको आपा को दिलाने का मकसद क्या था, क्यों दिलाया, किस वजह से मैं इतना अच्छा क्या कब से हो गया। खैर मैं इतना अच्छा नहीं हूँ, बाकी बात यह है कि कुछ उनकी अच्छाई थी कुछ मेरी अच्छाई थी। उनकी अच्छाई यही थी कि जब मैं कार ले रहा था थोड़ी सी उन्होंने मेरी हेल्प की थी उस दिन जब ज़रूरत थी, तो कुछ पैसे मैंने इनके देने थे तो कुछ मैंने जो ना वो मुझे कब से बोलते कि भाई पापा की जब सैलरी आएगी तो मुझे मोबाइल दिलाएगा, तो मैं वैसे बोलता रहूँ कि नहीं नहीं नहीं, तो आज जैसे सैलरी है तो मैंने जाके आज उनको मोबाइल दिला ही दिया, क्योंकि वो मेरे मुश्किल टाइम पे काम आई थी, तो अभी मैंने उनको उनका जो चाह रही थी वैसा मोबाइल दिला दिया। तो खैर ये थी आज की हमारी बात, बाकी मेरी वाइफ की जो है उससे अभी इंटरव्यू लेते थे कि भाई वो क्यों हमें बच्चों को हम सबको छोड़ के जाना चाहती है। वो बोलती है कि भाई मैं तुम लोगों के अलावा जी लूँगी, तुम लोग यहीं पे रहो मैं जा रही हूँ। तो अभी आपको मैं मिलाता हूँ और पूछता हूँ कि क्यों जाना चाहती है और कहाँ जाना चाहती है। और मैंने बोला मूसा, बोलते हैं मूसा को भी छोड़ दूँगी, हमजा बोलते हैं खैर है, बोलते हैं लोगों की माएँ भी चली जाती हैं तो मैं तुम भी अकेले चले जाते हो। मैंने बोला मैं तो फिर भी बाप हूँ लेकिन तुम्हारे तो बात अलग है, तुम्हारे बच्चे अटैचमेंट है। बोलते हैं नहीं नहीं ये लोग रह जाएंगे। तो मैं बोलते हैं मैंने काफ़ी माओं को देखा जो अपने बच्चों को छोड़ कर चले जाते हैं। मैंने बोला ठीक है फिर अभी आपको दिखाता हूँ कि ये कहाँ और क्यों और किस वजह से जाना चाहती है, तो आप लोग बताएगा कि ये सही कर रही है। और मैंने इसको बोला अगर तुम इनको छोड़ के जा सकते हो ना तो मैं तुम्हें टिकट वीज़ा सब कुछ मैं फ्री देता हूँ, ये भी मैंने ऑफर कर दिया। मैंने बोला अगर तुम्हारे अंदर इतना दिल है ना कि जा सकती हो तो टिकट वीज़ा सब कुछ मैं देता हूँ, क्योंकि एक बंदे का उठा सकते, क्योंकि अभी ये जाएगी तो फिर सारे बच्चों को एक साथ भेजना पड़ेगा और उसका। तो गैर अभी मिलिए डाकू से पूछते हैं भाई कहाँ जाना चाहती हो अपने बच्चों को सबको छोड़ के। मैं मदीना, हाँ सौदिया ये बोल सऊदीया जाना है। और मूसा को भी छोड़ दोगी 10-15 दिन के लिए, आप तो संभाल ही लोगे। मैं संभालूंगा मुझे मसला नहीं है, तुम्हारे इतना दिल है कि तुम चले जाओगे, मैं तो पत्थर दिल का ना, बाप तो भाई ऐसे ही होते पत्थर दिल के। जब माओ का मैं सोच सकते हैं तो माए क्यों नहीं हो सकती। ठीक है चलो मतलब तुम अपने मूसा, मैं मतलब अपने वो 19-20 साल एक बार फिर जीना चाहती हूँ, और जो 6-7 साल से मतलब यहाँ पे तुम लोग वो दिन भी जीना चाहती हूँ। तो मैं ना मुझे मतलब क्या कहते मुझे भी कुछ अपने लिए वक्त चाहिए, मैं चाहती हूँ मैं वहाँ पे जाके रिलैक्स करूँ, इबादत अपने अब्बू से मिलूँ, आराम से 10-15 दिन सकून से रहूँ, जो अंदर एक तड़प है मतलब ना जाने की, सर का दर्द बन गया ना है ना। नहीं रिलैक्स चाहिए ना, सकून चाहिए, इसको चार लोगों को संभालती हूँ मैं भी थक जाती हूँ। चार कौन से, आप भी तो बच्चों की तरह ही हो आपका भी। अच्छा 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 माशाल्लाह। तो है ना मतलब जब से आई हूँ मदीना से तब से तड़प है, और मैं हर साल यही होता है मैं इंशाल्लाह इस साल जाऊंगी अगले साल इस साल अगले साल, तो 6-7 साल हो गए तो मैं कहती हूँ तड़प खत्म हो जाए मुझे सुकून आ जाए। नहीं वो अभी जाने इसी महीने जाने थे 1-1.5 महीने में। ठीक है ठीक है गुड। अभी आप लोग बताइएगा बस, आप गए हो ना आप दुबई मदीना, मैंने तो बोला मैं तो पत्थर दिलूं, मैंने बोल दिया, तो मैं भी चाहती हूँ मैं 10-15 दिन के लिए, तुम बोल दो मैं पत्थर दिलूं। हाँ मैं पत्थर दिलूं सही है। ठीक है भाई अभी ये बोले मेरा वीजा करा दो मैं अकेले जान के सुकून करूं, सही है पीछे पूरी जिंदगी फिर से जीऊंगी तो 10-15 दिन के लिए खैर है, आप हो आपा है। चलो ठीक है अभी गाइस अभी आप अपनी कमेंट सेक्शन में बताएगा कि आप लोग भी क्या इसकी तरह अपनी, एक मिनट चुप करो चुप करो। हाँ हाँ माए वही आप अभी अपने बच्चों को छोड़ के अच्छा भाई ये अभी जो दोनों बहनें ना बच्चों को छोड़ के जाने वाली हैं। ठीक है आपको मैं आपको समझाता हूँ, तो आप लोग बताएगा कि क्या आप लोगों का, चुप कर एक मिनट बीच में नहीं बोलते, बीच मुझे आप कमेंट सेक्शन में अपने राय दीजिएगा कि आप लोग मतलब कितने लोग यहाँ पर जो ना देखते होंगे वो भी जो ना माए होंगी, तो आप लोग भी क्या ऐसी जिंदगी अपनी जीने चाहेंगी। तो भाई आप भी अपनी जो ना मतलब लाइफ जीना चाहेंगे ऐसे अपने बच्चों को छोड़ के, और जो 15 दिन का बच्चा अगर 2 महीने का भी खैर है आपको सिर्फ अपनी लाइफ जीनी है। तो ठीक है ना, तो गैर इसी के साथ मतलब 2 महीने का बच्चा भी आप छोड़ के सिर्फ, मैं तो बोल रहा हूँ जाओ तो आप
भेजो, मैं जाऊंगी। ठीक है भाई, अभी आपके ऊपर है, आप सब गवाह है और आप सब कमेंट कीजिए। ठीक है, अगर सब बोलेंगे ना कि ये 2 महीने का बच्चा सबको छोड़ के चले जाए, मैं अपने अब्बू से मिलूंगी, इतने साल अपने बाप से मिलूंगी, अपने अब्बा को टिकट भेजो, खुद आ जाए वो यहाँ पर, अब्बा भी तो नहीं मिलने ना 6 साल। इबादत कर लूंगी, उमरा हो जाएगा और मैं अपने वो जिंदगी जी। सही है, तो गाइस ठीक है, मैं तो बच्चों को संभालने के लिए तैयार हूँ, मुझे अब्बा भी नहीं चाहिए।